दुर्ग के रिसामा गांव में खुलेआम अवैध रूप से मुरुम की जगह पत्थरों की खुदाई की जा रही है। दरअसल यहां भारतमाला परियोजना के लिए मुरुम की खुदाई के लिए परमिशन मिली थी, लेकिन जब खुदाई वाली जगह से पत्थर निकले तो सरेआम सैकड़ों ट्रक पत्थर खोद दिए गए। ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। मामला बढ़ता देख खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज ग्रामीणों ने खुदाई बंद करवा दी। अचरज की बात यह है कि जिला खनिज अधिकारियों को यह पता नहीं है कि वहां मुरुम निकाली जा रही है या पत्थर निकाले जा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी ग्राम पंचायत रिसामा अंतर्गत। हमारी टीम मौके पर गई है, जांच की है और उसको हमने 3 माह की अवधि के लिए परिवहन अनुज्ञा मुरुम का दिया गया था। तो वहाँ पर ग्रामीणों द्वारा या पंचों द्वारा ये विरोध किया जाए कि हमने ग्राम पंचायत प्रस्ताव में हमारे हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। यदि ऐसा मिलता है कि बिना रॉयल्टी पर्ची के परिवहन किया जाता है तो हम कार्रवाई करेंगे। सरपंच के द्वारा जानकारी दी गई है पंचायत से कि भारत माला देना है नहीं। मैं 3 दिन तक जांच किया, रॉयल्टी तो नहीं देखा, पर्ची 3 दिन बताया, 3 दिन का लिखा हूँ। उसके बाद में मैं सरपंच को सौंप दिया कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं भी व्यवसाय का धंधा वाले आदमी हूँ। वो बता दिया और आदमी भी बैठाने के लिए बोला था तो उनको भी बता दिया कि मेरे से आदमी नहीं मिल रहा है। मैं ये सोचा कि मतलब जितना ट्रिप जाएगा उतना रॉयल्टी मिलेगी पंचायत के।